For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। वेल ये गाना किसी को याद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जिसको याद नहीं है उसको बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ था। गाना इतना वायरल है, आज भी वो गुलेल वाला सीन सबको याद है जब माधुरी दीक्षित को गुलेल लगती है सलमान खान के हाथों। वेल ये चीज़ रिक्रिएट होने वाली है, और कौन करने वाला है? वेल नन अदर देन सलमान खान हिमसेल्फ। यस, लेकिन 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 माधुरी दीक्षित नहीं होने वाली है इस बार। इस बार होने वाली है आपकी और हम सब की प्यारी कटरीना कैफ, यानी कि कुमुद। जी हाँ, भारत फिल्म में ये गाना रिक्रिएट होने वाला है। दीदी तेरा देवर दीवाना सॉन्ग को रिक्रिएट किया जाने वाला है, लेकिन थोड़े रिवर्स अंदाज में। अब वो रिवर्स अंदाज क्या है ये तो फिल्म के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 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 आप लोगों को क्या लगता है, ये गाना कितना ज़्यादा पसंद आएगा ऑडियंस को, या फिर ये गाना कितना ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो पाएगा? क्योंकि भारत फिल्म में ये सॉन्ग आने वाला है, बहुत जल्द रिक्रिएट होने वाला है, तो आपको लगता है वो मैजिक दोबारा से क्रिएट हो पाएगा? तो चलिए जानते हैं जनता की राय कि उन्हें क्या लगता है ये मैजिक किस हद तक क्रिएट हो पाएगा। सो सलमान खान और कटरीना कैफ रिक्रिएट करने वाले हैं सॉन्ग को दीदी तेरा देवर दीवाना, जिसका नाम होने वाला है एथिया। वेल नाम तो अपने आप में यूनिक है, बट आपका क्या कहना है इस चीज़ पर? मैंने अभी आपसे ही सुना है, मैंने इससे पहले अभी कुछ न्यूज़ सुनी नहीं है ऐसी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई विश बहुत ही अच्छा जाए, बट फर्स्ट तो अमेजिंग ही था, वो तो सबके दिल में बैठा हुआ है, आज तक भी लोग उसे रिक्रिएट करते हैं। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, एंड लेट्स सी ये कैसा जाता है, एंड आई विश अच्छा जाए। हो अच्छा लगेगा देख के अभी ये लोग नए तरीके से उसको कैसे करते हैं, नाउ कटरीना जी कैसे करेंगी उसको। शी लुक वेरी वेरी नाइस ऑब्वियसली। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस सॉन्ग को लेकर। एक्चुअली बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि 1994 में जब मूवी आई थी तो मेरे को याद है कि सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के देखती थी, और अभी भी याद है कि वो सारी यादें जब वो माधुरी गुलेल मानती है और सलमान को लगती है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आई एम एक्साइटेड दैट इस टाइम क्या करते हैं। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही रहता है, एंड बहुत अच्छा है। यस, तो आई डोंट नो बट मे बी हो सकता है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मतलब सलमान तो सलमान भाई हैं, वो तो कर ही देंगे। लेकिन जैसे कैटरीना है तो कैटरीना का थोड़ा मतलब जैसे वेस्टर्न डांस और ये सब वो ज़्यादा करती है, और उसमें था क्लासिकल, थोड़ा क्लासिकल डांस। तो माधुरी ने, हाँ वही माधुरी दीक्षित जी जो हैं वो क्लासिकल, उनका अलग ही लेवल का, तो थोड़ा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा कि हाँ देखते हैं क्या करते हैं, उसके लिए एक्साइट। सी वो मूवी में माधुरी दीक्षित इज़ अ वेरी ग्रेट डांसर, वेरी गुड डांसर इनफैक्ट। Katrina is also a very good dancer, but I don't know, still if you compare with Madhuri, obviously there is a little, you can't compare Katrina Kaif to Madhuri Dixit, because Madhuri Dixit, her moves, her dance moves, her, the way she dances, everything is like phenomenal. And Katrina dances very well, but I think she is more of a artificial dancer, the way, because her expressions are not so good like Madhuri Dixit. So Salman, so you can't, you can't compare with him. Replace करना नामुमकिन है. हाँ, so it's impossible to replace Salman in any movie. Salman is an icon. So but हाँ, so उसके साथ कोई भी आता है तो चली जाता है. So magic, I can't say magic, but yeah, a historic event can happen. उस time पे जो magic create किया था माधुरी और सलमान खान ने, वो magic दोबारा से recreate हो पाएगा? सलमान और कटरीना कर पाएंगे? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? सलमान और कटरीना कर सकते हैं, पर जो आप पहले एक बार क्लासिक कल्ट बन जाती है वो दोबारा नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। सलमान और कटरीना टच कर सकते हैं, पर वो लेवल पार नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली कटरीना कैफ इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी प्रिटी एक्ट्रेस, तो मे बी यस। भारत फिल्म आने वाली है ऑफकोर्स, सलमान और कटरीना, उनकी जोड़ी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनकी जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, और मुझे सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा। दिशा ने उसमें सॉन्ग किया है एक, हाँ स्लो मोशन, बहुत वायरल हो रहा है वो, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। Yeah, they're both beautiful people, so yeah, they look good. अच्छे तो लगते ही हैं। आपको लगता है कि भारत फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है, क्योंकि सलमान के 6 डिफरेंट लुक्स है असल में, सलमान कटरीना इतने सालों बाद वापस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है भारत फिल्म से? See, I think his last movie, which was last movie, which was that Race 3, Tubelight. Then there was another movie. No. Oh, that was 3 wala message jo tha. Jai Ho, which didn't do well. Yes. Okay, and Dabangg 2 was an average. Yes. Okay. So this has to be a hit, otherwise it will create a stink on his career. So it has to be it. And public has a lot of expectation because right now none of the movies are working well. If you see the Kalank also is not well, Thugs of Hindustan has been flopped. So the major star cast movie is not like right now, the scenario is not that the movie with good star cast is going to be hit. If you see the Badhai Ho, the content matters a lot. If you see the Badhai Ho movie, then if you see the Andhadhun, yes, which was like a content-driven movie. So movies like such, I think it's ruling the market. So now people are not worried about whether what star cast is there. But obviously Salman is a big name. So 100 crore to aise hi hona hai. So there is no doubt about it. But touching 300 mark will be a question mark. So I don't know how, and it depends on their marketing and their innovative strategy to get into that 300 mark. जाते जाते भारत फिल्म के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, कुछ कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। मैंने उसका ट्रेलर देखा, उनके अलग अलग रूप है उसमें, आई डोंट नो क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं देखूंगी ज़रूर। भारत फिल्म के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, कुछ कहना चाहिए? काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सलमान खान इज़ लाइक माई फेवरेट एक्टर, तो येस उनकी सारी फिल्में मेरे लिए फेवरेट्स होती है। तो विश हिम ऑल द बेस्ट, दैट्स अबाउट इट। काफ़ी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। उनके डायरेक्टर हैं अली अब्बास ज़फर, उनके साथ सलमान ने काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, सुल्तान भी की है, टाइगर जिंदा है, और दोनों के डायरेक्टर और एक्टर का काफ़ी हिट जोड़ी है, तो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इस बार भी इंशाल्लाह हिट ही होगी। जस्ट ये कि हम वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस एंड वी लव टू वॉच यू ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम। या सल्लू भाई यू आर ग्रेट। बढ़िया बढ़िया से करते रहो फिल्में, ऐसे ही बस जल्दी करते हैं काम। मैं भी एक्टर, वो भी एक्टर। तो देखा आपने, ये गुलेल का निशाना कितना ज़्यादा लग चुका है। अभी तक गाना रिलीज़ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसी खबरें हैं। तो ये हाल है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो जादू एक बार चल गया वो जादू शायद दोबारा से ना चल पाए। लेकिन हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि हमें तो भारत फिल्म से मतलब है, हमें गाने से मतलब है, और गाना जब आएगा डेफिनेटली गाना सुपर डुपर हिट होने वाला है, क्योंकि सलमान और कटरीना है उसमें, भाई हिट होना ही चाहिए। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हो गाने के लिए, और आपको क्या लगता है मैजिक रिक्रिएट हो पाएगा? हाँ ना, हाँ होगा यार। जो भी आपके रीजंस है, जो भी आपके आंसर्स है, वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे बताओ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मूवीज अड्डा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।